हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिजीत सिन्हा एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट और टू कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम ट्विटर. इट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 12, कम्युनिकेशन इन मॉडर्न टाइम. कम्युनिकेशन इट मीन्स टू कनेक्ट द पीपल और टू कनेक्ट विथ अदर एंड हाउ ट्विटर हेल्प. लेट्स स्टार्ट. इट इज़ अ पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट. ये सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है. इट मीन्स किसी को भी अपने मन का कोई बात शेयर करना होता है या आइडिया शेयर करना होता है तो वो ट्वीट कर दिया करते हैं, जिनको ट्वीट करना कहते हैं. इट वॉज क्रिएटेड इन 2008. इसको 2008 में क्रिएट किया गया था. वाइल द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विटर इज सिमिलर टू द अदर सोशल नेटवर्किंग साइट एज माई स्पेस एंड फेसबुक. ये ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे माई स्पेस बुक है या फिर माई स्पेस है एंड फेसबुक है. तो फेसबुक में भी आप देखेंगे कि आपको कोई भी आइडिया शेयर करना होता है तो व्हाट इज़ ऑन योर माइंड दिया रहता है वो आप शेयर कर देते हैं. कुछ इमेज पोस्ट करना है तो इमेज पोस्ट करके उसके बारे में लिख दिए. कोई वीडियो अगर इमेज मिला तो आप उसको शेयर कर दिए. सेम एज इट इज़ ट्विटर भी ऐसे ही सोशल नेटवर्किंग साइट है. फेसबुक में जैसे आपका शेयर किया हुआ चीज़ कोई भी देख सकता है, बट हाँ, फेसबुक अगर आप पब्लिक कर देंगे तो पब्लिक देख सकता है. फ्रेंड्स करेंगे तो जितने आपके फ्रेंड्स हैं वही देख सकते हैं, या फिर ओनली फॉर मी भी आप कर सकते हैं शेयर करके. इसका मतलब कुछ चीज़ें सिर्फ आप ही देख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इट इज़ यूनिक इन अ वे दैट यूज़र कैन राइट ट्वीट मैसेजेस फ्रॉम ईदर देयर कंप्यूटर और सेलफोन इन शॉर्ट कंसाइज अपडेट. छोटे में कंसाइज करके लोग अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से ट्वीट कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं एज ऑफन एज दे प्लीज. द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विटर रिवॉल्व्स अराउंड द आइडियाज दैट द पीपल कैन स्टे अपडेटेड विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम. बिना अपना समय खर्च किए, बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट किए, स्पेंड किए, लोग अपना आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं. मैनी पीपल बिलीव दैट इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट न्यूज़पेपर आर नॉट वर्थ बाइंग एन एनी मोर. जो लोग इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं, बिलीव करते हैं, उन लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा उचित नहीं लगता है. बट न्यूज़पेपर कंटिन्यू टू बी द डेली सोर्स ऑफ न्यूज़. लेकिन न्यूज़पेपर एकमात्र सोर्स है. द न्यूज़पेपर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ डेली न्यूज़ जो हमको डेली का न्यूज़ देता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड एजुकेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन स्पोर्ट्स फिल्म etc. इमेजिन अ लाइफ विदाउट अ न्यूज़पेपर रीडिंग इन द अर्ली मॉर्निंग विदाउट अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी. कुछ लोगों का ये हैबिट है कि वो पेपर लेकर बैठते हैं और चाय लेकर बैठते हैं, चाय पीते हैं और पेपर पढ़ते हैं, या फिर अपना टाइम स्पेंड करते हैं पेपर पढ़कर. कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 112, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इट इज़ कंडक्टिंग अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट्स. वीडियो कॉन्फ्रेंस में दो या दो से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. हु आर एट डिफरेंट प्लेसेस, जो एक दूसरे से बहुत दूर, काफ़ी दूर बैठे होते हैं, अलग अलग प्लेस पे होते हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं. वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से, किसी भी पार्ट में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. बाई यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क टू ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो इन्फॉर्मेशन. कंप्यूटर के नेटवर्क को यूज़ करके अपने वीडियो और ऑडियो को ट्रांसमिट कर सकते हैं. द सिस्टम इज़ लाइक अ वीडियो टेलीफोन. इसको वीडियो टेलीफोन भी कहा जाता है, या फिर वीडियो टेलीफोन के ही जैसा होता है. जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक स्क्रीन लगा है, बट हम लोग जब बात करते हैं तो हमारा मोबाइल हमारे हाथ में होता है. तो इस तरह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जाता है. ईच पार्टिसिपेंट हैज़ अ वीडियो कैमरा माइक्रोफोन एंड स्पीकर ऑन हिज और हर कंप्यूटर. हर पार्टिसिपेंट के बाद उसके कैमरा में या मोबाइल फ़ोन में, उसके कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में कैमरा होता है, माइक्रोफोन होता है एंड स्पीकर होता है. एज द टू पार्टिसिपेंट स्पीक टू वन अनदर, एक दूसरे से बात करने के लिए. मतलब माइक्रोफोन होता है बोलने के लिए, कैमरा देखने के लिए एंड स्पीकर सुनने के लिए. देयर वॉइस आर कैरिड ओवर द नेटवर्क एंड हर्ड बाई द अदर पार्टिसिपेंट्स. देयर वॉइस आर कैरिड ओवर द नेटवर्क. उनका वॉइस नेटवर्क से कैरी किया जाता है एंड हर्ड बाई द अदर पार्टिसिपेंट, और दूसरे पार्टिसिपेंट के द्वारा सुना जाता है थ्रू देयर स्पीकर के थ्रू. द इमेजेस दैट अपीयर इन फ्रंट ऑफ द वीडियो कैमरा कैन बी सीन ऑन द अदर पार्टिसिपेंट्स मॉनिटर्स. कहता है द इमेजेस कैन बी अपीयर इन द फ्रंट ऑफ द वीडियो कैमरा. आपका इमेज किसी दूसरे के वीडियो कैमरा में अपीयर होता है. इट कैन बी सीन ऑन द अदर पार्टिसिपेंट मॉनिटर, दूसरे के मॉनिटर पर दिखाई देता है. मॉनिटर किसकी बात की जा रही है? मॉनिटर बात की जा रही है कंप्यूटर की. अगर आप कंप्यूटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तब. मोबाइल फ़ोन आ जाया है, इससे पहले कंप्यूटर हुआ करता था. जब कंप्यूटर था, जो जिसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं,
अभी लैपटॉप आ गया, पहले डेस्कटॉप हुआ करता था, सीपीयू होता था, यूपीएस होता था उसको चलाने के लिए, और उसके बगल में दो स्पीकर हुआ करते थे। अब मोबाइल फ़ोन आ गया है, उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटीज़ नहीं थी। नेक्स्ट इज़, डू यू नो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड एंड मेड अवेलेबल ऑन डीवीडीज, पेन ड्राइव, ईटीसी। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन डीवीडीज, डीवीडी में अवेलेबल होता है, पेन ड्राइव में, ईटीसी, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जैसे मेमोरी कार्ड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ परफेक्ट फॉर स्टाफ मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परफेक्ट है किसके लिए? स्टाफ मीटिंग के लिए, वेयर द मेंबर आर इन डिफरेंट सिटीज कंट्रीज, ईटीसी। इट सेफ ट्रेवल टाइम एंड मनी इज स्पेंट ऑन बुकिंग कॉन्फ्रेंस हॉल, ट्रेवल टिकट, होटल फूड, ईटीसी। वेयर एज द मेंबर आर इन डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज, जो लोग दूसरे दूसरे कंट्री में रहते हैं उनके लिए पॉसिबल है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इट सेव आवर टाइम और ट्रैवल टाइम, एक जगह से दूसरे जगह जाकर मीटिंग करने से मीटिंग करने का जो टाइम है वो बच जाता है। अब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हमारा पैसा भी खर्च होता है, तो मनी को भी सेव करता है। ऑन बुकिंग कॉन्फ्रेंस हॉल, जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल बुक किया जाता है, ट्रैवल टिकट बुक करते हैं, होटल टिकट बुक करते हैं, फूड बुक करते हैं, ये सारा कुछ, तो सब कुछ बुक करने के बाद हमारा जो पैसा खर्च होता है ये सारा कुछ बच सकता है, हम घर पे बैठे बैठे मीटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल हु आर नॉट एट द सेम टाइम और सेम प्लेसेस फिजिकली। कहता है ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है वैसे लोगों के साथ जो एक जगह पे एक समय पे फिजिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। फिजिकली मतलब आप खुद से वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं तो भी आप मीटिंग कर सकते हैं। इट अलाउज स्टूडेंट टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विथ स्टूडेंट टीचर्स इन अदर कंट्रीज। ये स्टूडेंट को अलाउ करता है टीचर्स के साथ या अपने ही क्लासमेट के साथ, स्टूडेंट के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करने को या इन्फॉर्मेशन शेयर करने को। बिजनेस कंपनीज को भी अलाउ करता है क्या? टू कंडक्ट मीटिंग्स, इंस्ट्रक्शन फॉर कस्टमर्स एंड स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ को ट्रेन करने के लिए, कस्टमर को ट्रेन करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन एंड इवन वर्कशॉप थ्रू टेली कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ तक कि डेमोन्स्ट्रेशन देना एंड इवन वर्कशॉप थ्रू टेली कॉन्फ्रेंसिंग, या जो आप वर्कशॉप करते हैं वो वर्कशॉप मतलब बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप मीटिंग होता है, ये सारा कुछ टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कमेंट टू पेज नंबर 113। टेली कॉन्फ्रेंसिंग रिक्वायर्स इधर अ सिंपल कॉन्फ्रेंस टाइप स्पीकर फोन और माइक्रोफोन एंड स्पीकर सिस्टम टू कन्वर्स और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज विथ अदर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो इट ऑल्सो रिक्वायर्स इधर अ सिंगल कॉन्फ्रेंस टाइप स्पीकर फोन, मतलब जो पहले बताया गया वो स्पीकर चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए एंड सिस्टम चाहिए, टू कन्वर्स एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज विथ अदर, दूसरे के साथ अपने आइडियाज और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, शेयर करने के लिए। डू यू नो अ टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज एन ऑडियो कॉन्फ्रेंस अमॉन्ग द मेनी पीपल थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हु आर एट द डिफरेंट प्लेस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह आप इमेज के थ्रू नहीं, सिर्फ आपका वॉइस पहुँच सकता है, इट इज़ कॉल्ड टेली कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपका इमेज दिखाई देगा, आपका इमेज दूसरे साइड में अपीयर होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोथ ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस, बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? ऑडियो एंड विजुअल दोनों होता है। ऑफ द पीपल हु आर नॉट एट द सेम प्लेस, जो कि खुद से फिजिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। बोथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आर यूजफुल मीन्स ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है बोथ आर यूजफुल मीन्स ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग, दोनों यूजफुल है मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, होल्डिंग अप ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, और गिविंग इमरजेंसी अलर्ट, इमरजेंसी अलर्ट देने के लिए, और अदर इन्फॉर्मेशन टू पीपल स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री और अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में या अराउंड द कंट्री, पूरे कंट्री में मतलब पूरे वर्ल्ड में या पूरे कंट्री में आप कहीं पर भी किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी से भी अपना आइडियाज इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस कन्वीनियंस ऑफर्ड बाई द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, गोइंग आउटडोर टू मीट फ्रेंड्स रिलेटिव एंड अदर नेसेसिटी इज स्टिल द बेस्ट वे। कहता है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होने के बाद भी आज भी बेस्ट वे किसको माना गया है? घर से बाहर निकल कर एक दूसरे के साथ मिलकर अपना नॉलेज और आइडियाज शेयर करने को। कैसे? क्योंकि आप मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर यूज़ करते हैं
तो आप अपना सिर्फ आइडिया शेयर करते हैं, बदले में आपको रिवर्स में किसी और का आइडिया या सजेशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर 6-7 लोग मिलकर बैठकर बात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप अपना आइडिया शेयर करेंगे तो दूसरे तरफ से अपना आपका आपके आइडियाज़ के अकॉर्डिंग, आपके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लोग भी अपना अपना आइडियाज़ शेयर करेंगे, ठीक है। बट टेलीफोन का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप एक लोग से ही बात करते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो 5-6 लोग से बात करते हैं। नेक्स्ट इज द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव हार्म द सोशल स्किल ऑफ पीपल। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है लोगों का सोशल स्किल को ख़त्म करता जा रहा है, हार्म करता जा रहा है। कैसे? दे हैव बिकम एक्सपर्ट इन ईमेलिंग एंड टेक्स्टिंग मैसेज। कहता है लोग ईमेल में एक्सपर्ट हो गए हैं, मैसेज करने में एक्सपर्ट हो गए हैं, बट दे फॉरगॉट द जॉय ऑफ गेटिंग टुगेदर एंड टेकिंग टू टॉकिंग टू ईच अदर। लोग धीरे धीरे बाहर जाकर एक दूसरे से मिलने की जो खुशी होती है या फिर एक दूसरे से बात करने का जो तरीका होता है वो भूलते चले जा रहे हैं। दे वेस्ट प्रीसियस टाइम इन सर्फिंग। लोग अपना कीमती समय सर्फिंग में वेस्ट कर दे रहे हैं, सर्चिंग करने में, चैटिंग करने में, एक दूसरे से बात करने में एंड मैसेजिंग में। इंटरनेट एंड मोबाइल हैव बिकम एन एडिक्शन। धीरे धीरे इंटरनेट और मोबाइल जो है वो एडिक्शन बनता चला जा रहा है, लोगों के लिए बैड हैबिट होता चला जा रहा है। दे आर चीटिंग मेनी पीपल्स। दे आर क्रिएटिंग मेनी प्रॉब्लम्स। बहुत सारा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहे हैं। किस तरह का प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है? जैसे स्लीपलेसनेस, लोगों का नींद गायब होता जा रहा है, रात रात भर लोग इंटरनेट पे लगे होते हैं, व्हाट्सएप पे लगे होते हैं, ग्रुप चैटिंग में लगे होते हैं। लोनलीनेस, लोग अकेले होते चले जा रहे हैं, मतलब 4 लोग अगर बैठे भी हैं तो अकेले मोबाइल लेकर लोग बिजी हो जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन, इन्फॉर्मेशन का एक्सप्लोज होना, मतलब जो इन्फॉर्मेशन लीगल नहीं है, इलीगल भी है, वो भी लोग स्प्रेड कर देते हैं, या कुछ ऐसा कार्टून किसी के बारे में, या कुछ क्रिटिक्स, कुछ क्रिटिसाइज, कुछ आलोचना जो कि पोस्ट नहीं होना चाहिए, फिर भी उसको लोग स्प्रेड करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। किससे? मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कह रहा है। नेक्स्ट इज डू यू नो वॉट टू डू इफ फॉरगॉट योर पर्सनल और बिजनेस ईमेल एड्रेस, मोबाइल फोन नंबर और योर बैटरी इज डेड। अगर आपका बैटरी डेड हो जाए, मोबाइल नंबर आपका गुम हो जाए, या फिर आप बिजनेस अकाउंट अपना भूल जाए, तो क्या हो सकता है? तो यही होगा कि आपका पूरा का पूरा काम बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से पर्सनली किसी से मिलते हैं तो वो आइडिया आपके पास है, वो आइडिया कभी भी इरेज नहीं होगा। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो इरेज नहीं होगा, बट जो लैपटॉप में है, मोबाइल में है, वो इरेज हो सकता है। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी पीपल नाउ वेस्ट टाइम इन द नेम ऑफ सेविंग टाइम। कहता है टेक्नोलॉजी को थैंक्स करने की बात आ रही है कि लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सेव करने के नाम, मतलब हमारा टाइम सेव कर रहे हैं, उसके जगह पर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। आई हैव फॉरगॉटन माई पासवर्ड। ये एक तरह का क्रिटिक किया गया है कि पासवर्ड भूल गया, अब इसके पास किसी तरह का कोई काम नहीं रहेगा, मतलब ये पूरी तरह से अपने आप को बर्बाद हुआ समझ रहा है। अब हम लोग शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर देखेंगे, पेज नंबर 114 समथिंग टू नो का। टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज़ द मेथड ऑफ द पर्सनल कम्युनिकेशन? पर्सनली क्या होता है? टेलीफोन। रेडियो मास कम्युनिकेशन है, टेलीविज़न भी मास कम्युनिकेशन है। व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। विच वन इज़ द सोशल नेटवर्किंग साइट? ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड गूगल क्या है? ये सर्च इंजन है। ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, कुछ वर्ड हैं आपके हेल्प के लिए, उस वर्ड को सेलेक्ट करके नीचे भरना है। टेलीविज़न प्रोग्राम कैन बी व्यूड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट की हेल्प, तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो सैटेलाइट इज गिवन। नंबर 2 डैश इज सिमिलर टू द प्राइवेट मैसेजिंग थ्रू इंटरनेट। प्राइवेट मैसेजिंग थ्रू इंटरनेट के थ्रू क्या है? ईमेल कर सकते हैं हम। नंबर 3 इज़ अ यूजफुल मीन्स ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग एंड होल्डिंग ग्रुप डिस्कशन अक्रॉस द वर्ल्ड, इट मीन्स कॉन्फ्रेंसिंग, दैट इज टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव डैश द सोशल स्किल ऑफ द पीपल, इट इज हार्म्ड। टेलीफोन इज अ वंडरफुल ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, इट इज कम्युनिकेशन। ओके, ये देख लेंगे। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। फेसबुक क्या है? इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते हैं। टेक्स्ट मैसेजिंग क्या है? ये SMS, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, ग्रुप डिस्कशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीविज़न टेलीकास्ट, मैनमेड सैटेलाइट के थ्रू एंड रेडियोस, मास कम्युनिकेशन। ओके, एंड कम ऑन टू द क्वेश्चन आंसर। आंसर ब्रीफली, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करना, एक दूसरे से बात करना, नॉलेज एंड आइडियाज़ को शेयर करना,
विदाउट विदाउट अवेलेबल पर्सनली, बिना खुद के पर्सनली अवेलेबल नहीं, और विदाउट टू रीच द प्लेस एट द सेम प्लेस और एट द सेम टाइम. नेम एनी टू मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. टू मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविजन, बुक, मैगजीन, etc. लिस्ट द बेनिफिट ऑफ द मोबाइल फोन. मोबाइल फोन का बेनिफिट क्या है? वी टॉक टू और वी कॉन्टैक्ट टू द कॉन्टैक्ट टू आवर पेरेंट्स, आवर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल. रिसाइड ओवर द होल वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड. नेम द टू सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक एंड ट्विटर, व्हाट्सएप. व्हाट इज़ योर फेवरेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाई. हमारा फेवरेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और क्यों? तो ऑब्वियस फेवरेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आज के डेट में जिससे ही पूछे तो वो मोबाइल फ़ोन ही बताएगा. क्यों? GPS सर्विस, इंटरनेट एंड लॉट्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है. इंटरनेट के ही थ्रू सारा कुछ मिल जाता है आपको. YouTube है, Facebook है, सोशल नेटवर्किंग साइट से आप जुड़ सकते हैं. एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप किसी से भी कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट डज द टर्म टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. इट मीन्स ऑडियो. शेयर योर आइडियाज एंड नॉलेज विद द अदर विद ऑडियो लेवल. हाउ डज इट हेल्प इन द एजुकेशन एंड बिजनेस. एजुकेशन में स्टूडेंट स्टूडेंट से एंड टीचर से शेयर डिस्कस कर सकता है, शेयर कर सकता है अपने प्रॉब्लम आइडियाज एंड नॉलेज को या इन्फॉर्मेशन को. बिजनेस के लिए कैसे? तो किसी भी तरह का बिजनेस मीटिंग आप सेटअप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी. मतलब ट्रैवल टाइम को आप वेस्ट किए बिना और मनी वेस्ट किए बिना, जैसे हॉल बुक करने के लिए, टिकट लेने के लिए जाकर होटल में ठहरना, खाने पीने का टाइम, ये सब कुछ आप खाने पीने का जो पैसा है वो सब कुछ सेव कर सकते हैं. द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है फ्रॉम द सोशल स्किल ऑफ लाइफ और पीपल. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. कैसे मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है लोगों के सोशल लाइफ को या लोगों के सोशल स्किल को डिस्ट्रॉय कर रहा है? तो ऑब्वियस लोग बाहर निकल कर एक दूसरे से बात करना भूलते जा रहे हैं, अपना आइडियाज़ एंड नॉलेज को स्प्रेड करना भूलते जा रहे हैं, या फिर जो एक दूसरे से मिलने की खुशी है वो लोग अब मिस कर रहे हैं. ईमेल हैज रिप्लेस लेटर. कैसे? ऑब्वियस ईमेल जो है एक बार में हम जैसे ही टाइप करते हैं दूसरे तरफ हमारा मैसेज पहुंच जाता है. लेटर की तरह हमें टाइम का वेट नहीं करना पड़ता है. जैसे लेटर जो था वो 7 दिन, 10 दिन या 20 दिन, महीने भर पहुँचता था. पहले के टाइम पर काफ़ी दिन हो जाया करते थे. लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लिखते थे कि हम इस तारीख को आ रहे हैं, 4 दिन 5 दिन बाद आ रहे हैं. तो पता चलता था वो वहाँ गया और वहाँ से लौट भी गया तब उसका लेटर उसको मिल रहा है. तो ये था डिमेरिट्स. तो अब था कि लोग ईमेल यूज़ करने लगे लेटर की जगह. तो लेटर एंड पोस्ट कार्ड का जगह ईमेल ले चुका है. हाउ हैज इंटरनेट मेड कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट इंस्टेंट. ऑब्वियस इंटरनेट के थ्रू आप अपना मैसेजिंग इंस्टेंट वे में या फिर क्विकली डिलीवर कर सकते हैं. लिस्ट 4 डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मॉडर्न मीन्स का कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज क्या है? तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है कि ये अभी के जनरेशन के लिए, ओल्ड जनरेशन वाले लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है इससे रिलेट होना या इससे खुद को जोड़ पाना. दूसरा इसका कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज क्या है? तो बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, बहुत सारा इलीगल जो वर्क है वो बढ़ चुका है. मतलब इंटरनेट के थ्रू, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों का जो ध्यान है वो दूसरे तरफ डाइवर्ट हो रहा है. थर्ड चीज़ क्या है? लोगों का जो स्किल्स है, खुद का स्किल्स है, वो ख़त्म होता जा रहा है. लोग इंटरनेट पे डिपेंड होते चले जा रहे हैं. पहले बहुत सारी जानकारी के लिए लोग उसको याद रखने लगते थे, आजकल लोग फ़ोन में सेव रखते हैं. जब देखना होता है तो वो फ़ोन में देख लेते हैं. इस तरह के और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, तो इस चैप्टर हम लोग नहीं देखेंगे. नेक्स्ट जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, आगे कम ऑन टू द पेज नंबर 116. इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन थॉमस एडिसन, उसी तरह से एरोप्लेन का, स्टीम इंजन, सारे का इन्वेंटर दिया है, इधर मशीन्स दिया हुआ है या फिर जो भी इन्वेंशन किया गया था वो. अब इसमें से इनके नाम को यहाँ पे सर्च करना है इस जगह पे. जैसे कुछ मैंने यहाँ पे सर्च कर रखे हैं, थॉमस एडिसन, राइट ब्रदर, ठीक है, अलेक्जेंडर बेल, जेम्स वॉट, जॉन बेयर, गैलीलियो, मैक्रोनी, गैलीलियो, गुटेनबर्ग, चार्ल्स बेबेज, उसी तरह से आर्यभट्ट. तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सर्च किया गया है. नेक्स्ट इज, अब ये जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है इसका आपको वीडियो अलग से मिलेगा. ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का, समथिंग टू डू का एंड
मैप स्किल का। ये वीडियो सारे चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 to 13, ये हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सो जस्ट रिलेट विथ माई वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।